इवन क्रूस पर उस उन दिनों में लोगों को और भी लोग मारे गए थे, दूसरों को भी क्रूस पर मारा गया। इनफैक्ट यीशु मसीह के साथ दो चोरों को क्रूस के ऊपर मारा गया था, उसी के साथ में वो दो चोरों के साथ मारा गया, उनको उसको चोरों के साथ उसकी तुलना कर दी गई उन्होंने, फिर भी उसकी मृत्यु उन दोनों के मृत्यु से अलग थी। ओके, वी शैल सर्टेनली बी यूनाइटेड विथ हिम इन अ रेजरेक्शन लाइक हिज। लिसन, व्हाट इज पॉल सेइंग? अगर हम मृत्यु में उसके जैसी मृत्यु में उसके संग जुड़ गए हैं तो यह निश्चय है। क्या है? देयर इज नो अदर वे बट दिस, वी आर सर्टेन दैट वी विल बी यूनाइटेड विथ हिम इन अ रेजरेक्शन लाइक हिज। Yeah? So what he's saying is, resurrection like his, पुनरुत्थान, उसके जैसा पुनरुत्थान, यानी कि इसके पहले, यीशु मसीह से पहले भी लोग मुर्दे में से जिंदा हुए थे नहीं हुए थे, है ना? याइर की बेटी मर गई थी, यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो भी तो मुर्दों में से जिंदा हुई थी, उसका पुनरुत्थान हुआ कि नहीं हुआ? लाजर मर गया था, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? यीशु मसीह ने स्वयं उसको मुर्दों में से जिंदा किया। वो विधवा क्या बेटा जिसको शहर के बाहर ले जा रहे थे गाड़ने के लिए और यीशु मसीह शहर के अंदर आ रहे थे, व्हेन जीसस मेट विद देम ही हैड मर्सी ऑन दैट ओल्ड वुमन एंड ही रेज्ड हर सन फ्रॉम द डेड। So there were resurrections even before the resurrection of Jesus. But we are not talking about those resurrections. We are talking about the uniqueness of the resurrection of Jesus. Amen. Yeshu Masih ka murdo mein se zinda hona un baakiyon ke murdo mein se zinda hone se alag tha. Kaise? Kyunki baaki जो मुर्दों में से जिंदा हुए वो दोबारा मर गए। आर यू देयर विथ मी? लाजर डाइड, जायरस डॉटर डाइड, दैट ओल्ड वुमन्स सन डाइड, बट जीसस, Now that he is alive, he is alive forever. Yeshu Masih jo murdo mein se zinda hue, wo dobara kabhi nahi marne ke liye. So we have been made one in a resurrection like his. Listen to me carefully. Okay? There's still more time to jump. Please sit down. Let me teach you something. तो दूसरों का पुनरुत्थान और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में फर्क था। हालेलुया। दूसरों के विषय में मृत्यु कुछ देर तक उनको रोक नहीं पाई। रिमेंबर द फर्स्ट वर्स जो हमने पढ़ा, कि ये अनहोना था कि मृत्यु यीशु मसीह को रोक कर रख सके। इट वॉज इम्पॉसिबल। दूसरे जिनको यीशु मसीह ने मुर्दों से जिंदा किया, इवन पुराने करार में जो लोग मुर्दों में से जिंदा हुए, पुराने करार में तो लॉट के हिसाब से हुए। एजिकियल ने एक दिन में एक पूरा सेना, याद है कि नहीं है? वो तो सूखी हड्डियां थी, ढांचा नहीं था। यू गेटिंग मी? सो द यूनिकनेस ऑफ जीसस रेजरेक्शन इज दैट जीसस डिड नॉट डाई अगेन। यीशु मसीह दोबारा से नहीं मरे। और अगर आप और मैं उसके मृत्यु में उसके साथ एक हुए हैं,
Listen. तो हम उसके गाड़े जाने में भी उसके साथ एक हुए. Yes. That is why हम बपतिस्मा लेते हैं. बपतिस्मा इस बात का चिन्ह है कि हम यीशु मसीह के साथ उसके मृत्यु में एक हुए, हम गाड़े गए. Amen. अभी अगर आपको कब्र में डाल के बाहर से बंद करेंगे तो आप बाहर नहीं आ पाओगे. तो हम पानी में आपको गाड़ देते हैं और जब आप बाहर आते हो, यू रिमेंबर, जब आप पानी से बाहर निकलते हो आप ये याद रखते हो कि यीशु मसीह के ही समान आप उसी के पुनरुत्थान में भी एक हुए हो. नाउ लिसन टू मी, इफ जीसस डाइड वंस रोज अप अगेन नेवर टू डाई अगेन एंड यू आर वन विथ हिम इन हिज रेजरेक्शन यू विल नॉट डाई अगेन. Are you with me? आप दोबारा से उस पाप में मरेंगे नहीं. ओके, सो अंडरस्टैंड, जीसस डाइड इन द बॉडी. यीशु मसीह शारीरिक रीति से मारे गए. यू नो, परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, मनुष्य जैसा जिया, उसने आपके और मेरे जैसे हालातों को बर्दाश्त किया, उन पर विजयी हुआ, उसने आप जैसे और मुझ जैसे अभिलाषाओं का या पाप के स्वभाव का सामना किया, उसके चरित्र को भी गिराने की कोशिशें की गई. इसीलिए बाइबल कहता है आर हाई प्रीस्ट ही सिंपथाइजेस विथ अस बिकॉज जस्ट लाइक अस In this world, he faced all different kinds of temptation, but was untouched by sin. Hallelujah. हमारे ही तरह क्यों उसका मनुष्य बन के आना जरूरी था? क्योंकि अगर वो स्वर्ग से सिर्फ मेरे पापों को क्षमा कर देता, नंबर एक, वो अपने ही व्यवस्था को पालन नहीं कर रहा है. Hallelujah. तो अगर परमेश्वर स्वयं अपने ही व्यवस्था का पालन नहीं करता, are you getting me? इसीलिए उसको मनुष्य होकर आना पड़ा, क्योंकि उसने पहले हमको दिखाया कि इस शरीर में होने के बावजूद, इस पृथ्वी पर रहने के बावजूद, आप जैसा वातावरण शेयर करने के बावजूद भी पाप पर विजयी होकर जिया जा सकता है. हालेलुया. उसने मुझे करके दिखाया. इसलिए बाइबल कहती है जीसस हैज लेफ्ट बिहाइंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल. बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण रख छोड़ा है. किस बात का उदाहरण? कि इस पृथ्वी पर रहने के बावजूद मैं कैसे इस पृथ्वी को, इस दुनिया को, मुझे यह बताने की अनुमति नहीं दूंगा कि जिया कैसे जाता है. आई विल नॉट अलाउ द वर्ल्ड टू डिक्टेट हाउ आई शुड लिव. हालेलुया. मैं दुनिया को मुझे यह बताने नहीं दूंगा. So I will not let the enemy tell me, मैं दुनिया को मुझे बताने नहीं दूंगा कि मुझे कैसे जीना है. Hallelujah. तो यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिंदा हुए, बाइबल कहती है हम उसके साथ जिंदा हुए. Hallelujah. But physically क्या हम मरे थे? क्या आप थे उस टाइम पे? क्या मैं था उस टाइम पे? नहीं था. But the Bible says, because what Jesus did, यीशु मसीह ने यह किया, बाइबल कहती है वो जो पाप नहीं जानता था वो पाप बन गया. He that did not know sin, he that did not know, the word know there
जो शब्द है नो, द रूट वर्ड जो उसका बुनियादी बेसिक शब्द है इज द सेम वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ्स रिलेशनशिप. जब लिखा है कि वो जो पाप नहीं जानता था, पाप क्या होता है, इट्स द सेम वर्ड हिब्रू वर्ड दैट इज यूज्ड when it is written that Adam knew his wife Eve and she brought forth a son. That means when Adam was intimate with his wife, when Adam and Eve became one physically, that word, that means he that did not have any intimacy with sin. He that was not one with sin, वो जो पाप के साथ एक नहीं था. Because Bible क्या कहती है, जब आप विवाह करते हो पति और पत्नी एक देह हो जाते हैं, one body, they become one, say one body, right? But Jesus, the Bible says, he did not know sin. He was not one with sin. Sin was there, he was here. They could not find a trace of sin over him. Right? Now, the Bible also teaches us in the book of Romans, Bible हमें रोमियो के ही पुस्तक में सिखाता है कि the wages of sin is death. कि पाप का जो नतीजा है, पाप का नतीजा है क्या है, मृत्यु है. Right? So, यीशु मसीह क्योंकि पाप के साथ कभी एक हुए ही नहीं थे, ये पाप जिसके कारण मृत्यु ने हमारे दुनिया में प्रवेश किया उसको रोक नहीं सकता था. बिकॉज टू डाई, व्हाट क्वालिफाइड अ पर्सन टू डाई वॉज एन अउंस ऑफ सिन. आर यू गेटिंग मी? कोई मरने के कब योग्य होता, जब उसके अंदर पाप नजर आता है. पर यीशु मसीह में तो था ही नहीं. इसीलिए पाप, मृत्यु जो पाप का नतीजा है, उसको अनहोना था कि उसको रोक के रख सके. अनहोना क्यों था, क्योंकि वो वजह जिसके वजह से कोई मरता है वो यीशु में था ही नहीं. Hey, I hope you are blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe to share this video with your beloved. God bless.